शालू ले आई ऋषि के सामने मलेश काका सारा सच और ऋषि को कह दिया कि न्यूज़पेपर में वो न्यूज लक्ष्मी दी ने नहीं बल्कि मैंने छपवाई थी, क्योंकि मलेश का मेरी दी लक्ष्मी के बारे में लालची औरत वाली खबर छापने वाली थी, जिसे सुनकर हिल गया ऋषि और मलेश का गिराएगी लक्ष्मी को और लक्ष्मी को लगेगी बड़ी चोट और ऋषि लक्ष्मी के कमरे में जाकर लगाएगा लक्ष्मी के हाथों में मलहम। और जब दूसरी बार ऋषि मलेश का अंगूठी पहनाने वाला होगा तब लक्ष्मी उससे पहले कर देगी ऋषि को अपने प्यार का इजहार और ऋषि पहना देगा लक्ष्मी को अंगूठी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि मलेश का की एंगेजमेंट कुछ देर के लिए टल जाएगी और मलेश का पूरी पार्टी में आए हुए सारे मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए जब लाल साड़ी पहनकर आएगी और लक्ष्मी भी जब लाल साड़ी पहनकर आएगी, तभी मलेश का लक्ष्मी को बेइज्जत करने के लिए और लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए ऋषि के सामने एंड मेहमानों के सामने मलेश का लक्ष्मी को जलील करेगी, जिसके बाद जब लक्ष्मी कुछ मलेश का को बोलेगी तभी वहाँ पर बीच में ऋषि आ जाएगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा तुम मलेश का से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। तब लक्ष्मी कहेगी तो इसने मुझसे कैसे बात की है, तुमने देखा नहीं, जिसे सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और ऋषि कहेगा आज ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब सिर्फ लक्ष्मी तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर तुम लक्ष्मी उन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करते और न्यूज पेपर में तुम मलेश का को नीचा दिखाने के लिए ऐसी गलत न्यूज नहीं छापती तो आज ये दिन आता ही नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी, जिसके बाद तभी वहाँ जब शालू आएगी और मलेश का के सामने ऋषि को कहेगी कि आपको मेरी दी इतनी ही गलत लगती है जबकि वो हमेशा से सही रही थी और बता दूं कि आप कब से न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो वो असल में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाने वाली और कोई नहीं बल्कि मैं थी, क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल छपने वाला आया था तब मलेश का ने मेरी दी लक्ष्मी के बारे में काफी बुरा भला बोला और सवाल पूछते हुए कहेगी कि ऋषि जीजू आपको पता है कि मलेश का ने उस न्यूज रिपोर्टर को क्या कहा। तब ऋषि कहेगा क्या, जिसे सुनकर शालू कहेगी मलेश का ने कहा कि मेरी दी एक नंबर की लालची है और मेरी दी ने आपसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और पैसों के लिए ही मेरी दी ने जान बचाई है। क्या ये सब ऋषि जीजू आपके दिल से सोचोगे तो क्या ये सच है, क्या मेरी दी लालची है। तब यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ जाएगा और मलेश का कहेगी इसी वजह से मैं चुप क्यों रहती, मेरी दी के खिलाफ आप और आपका पूरा परिवार हो गया है तो मैं मेरी दी का साथ क्यों नहीं देती। इसीलिए मैंने मलेश का को सबक सिखाने के लिए जो असली सच था मैंने वही न्यूज रिपोर्टर को बताया। यह सब सुनकर वहाँ बाजू में खड़ी मलेश का के होश उड़ जाएंगे और लेकिन जब डांस कॉम्पिटिशन होगा तभी मलेश का लक्ष्मी के साथ जानबूझकर मुकाबला करने के लिए लक्ष्मी को डांस करने के लिए बुलाएगी और मलेश का लक्ष्मी जब दोनों एक साथ डांस करेगी और मलेश का डांस करते हुए जब थक कर हारने वाली होगी तभी मलेश का लक्ष्मी को गिराने के लिए अपना पैर आगे ले आएगी, जिस वजह से तभी वहाँ पर लक्ष्मी गिर जाएगी, जिसे देखकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और पीछे से मलेश का लक्ष्मी की बेइज्जती करेगी और कहेगी ओ लक्ष्मी तुम गिर गए, तुम तो वैसे भी गिरी हुई हो। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना कोई भी किसी के भी सहारे के बिना खड़ी होकर अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन तभी पीछे पीछे दौड़ते हुए ऋषि आएगा और लक्ष्मी के हाथों में लगी हुई चोट पर ऋषि मलहम लगाएगा और वहाँ से अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए चला जाएगा, जिसे देखकर शालू कहेगी दी लक्ष्मी आप ये क्या करी है, ऋषि जीजू के दिल में अभी भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है और उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया है। जिसे सुनकर ऋषि जीजू को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस भी हो रहा था, इसलिए अभी एंगेजमेंट होने से पहले आप ऋषि जीजू को सारा सच बताएंगे और जाकर अपने प्यार का इजहार कर देंगे तो वो दौड़ते हुए आपके हो जाएंगे और मलेश का के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। यह सुनकर लक्ष्मी दौड़ते हुए अपने प्यार का इजहार ऋषि को करने के लिए जब ऊपर गैलरी में जाएगी और ऋषि मलेश का अंगूठी पहनाने वाला होगा तभी ऋषि बस लक्ष्मी के एक इंतजार में लक्ष्मी के कुछ बोलने के लिए रुक जाएगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी अपने प्यार का इजहार ऋषि को करेगी और ऋषि भी जब अपने एंगेजमेंट रोक कर अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाएगा तभी पलविंदर किसी को पता ना चले ऐसा ऋषि पर हमला कर देगा और वहीं पर ऋषि खुद से लथपथ होकर बेहोश हो जाएगा। और लेकिन अगर ऋषि ने मलेश का के साथ सगाई कर ली तो ऐसे पति के साथ लक्ष्मी को रहना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को पूरे परिवार को एंड ऋषि को एहसास करवाने के लिए एक बार छोड़कर चले जाना चाहिए क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी पसंद है क्या फिर ऋषि मलेश का की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।